हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ इज सेकंड प्रेगनेंसी इज डिफरेंट देन फर्स्ट प्रेगनेंसी। सो हेयर आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। फर्स्ट कम फर्स्ट, जब प्रेगनेंसी प्लान करें आप, सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करने का अगर आप डिसाइड कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी प्लान करने में ज़्यादा ए जो गैप है वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरी बेटी है अभी 4.5 साल की और हमारा सेकंड बेबी अभी डिलीवर हो चुका है, वो अभी 1.5 मंथ का हो गया है। तो ऑलमोस्ट 4.5 साल का गैप है मेरे बेटी और मेरे बेटे में। तो इट्स प्रिटी गुड, आई मीन इतना गैप ठीक रहता है, क्योंकि मैंने अपनी जो इतनी मेरी फ्रेंड्स हैं, सर्कल हैं और जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो भी मेरे जान पहचान वाले हैं, उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि उन्होंने काफ़ी गैप देखे। हम लोग जैसे सोचते हैं ना कि अभी बच्चा बड़ा हो जाए फर्स्ट बेबी तो वो सेकेंड बेबी को हैंडल करने में हेल्प कर सके, तो ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। इनफैक्ट आपको एज जो आपका गैप है वो 4 साल से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, तो उसके इन बिटवीन कर लेना चाहिए आपको प्लान। तो हमारी बेटी जो 4.5 साल की हो गई है, तो ये हमने गैप इस तरीके से प्लान किया। तो फर्स्ट जो आता है वो आता है कि जब आप सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करते हैं वो क्यों इजी हो जाती है आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी से, क्यों? क्योंकि आप यू नो द रूटीन, राइट? फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको पता नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती। तो सेकंड प्रेगनेंसी में आप को नॉलेज रहती है एंड यू नो द रूटीन कि आपका रूटीन क्या होने वाला है। अब किसी को नोजिया होता है, किसी को यू नो डिफरेंट हार्मोन चेंजेस के वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ फर्स्ट प्रेगनेंसी में होती है, कुछ सेकंड में नहीं होती है, लेकिन ऑल दो उसके आसपास ही होती है, क्योंकि बॉडी तो आपकी खुद की ही है, राइट? तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जैसे मुझे नोजिया नहीं हुआ था, तो सेकेंड में भी नहीं हुआ। फर्स्ट में मुझे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही थी, लेजीनेस नहीं थी बिल्कुल भी। सेकंड प्रेगनेंसी में मैं बहुत लेजी थी, 3 to 4 मंथ मेरा जो था मैं उसमें बहुत सोई हूँ, तो यू नो मुझे नींद आती रहती थी। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ईचिंग की प्रॉब्लम हुई थी, सेकंड में हुई थी बट वो स्टेबल हो गई थी। फर्स्ट में मुझे शुगर का इशू नहीं था, सेकंड वाली प्रेगनेंसी में मुझे शुगर का इशू हुआ था थोड़ा बहुत, बट वो मैंने कंट्रोल कर लिया था स्ट्रिक्ट डाइट पे जाके। तो इस तरीके से आपको रूटीन पता रहता है, ठीक है? आपको पता है कि आपको मॉर्निंग में उठकर क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से अपना यू नो कितना वेट लिफ्ट करना है, कितना नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको पता नहीं होता। आप तब वो यू नो जो आपकी नॉलेज होती है वो गेन कर लेते हो फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो सेकंड प्रेगनेंसी आपकी इजी हो जाती है, क्योंकि आपको रूटीन पता लग चुका होता है अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट आता है, यू नो योर न्यूट्रिशन नीड्स। हमें पता होता है कि हमारी बॉडी को, अब जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कुछ और क्रेविंग्स होती थी खाने की, सेकंड में कुछ और होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन बिटवीन आपके वहीं रहती हैं। तो आपको पता रहता है न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी कितनी ज़्यादा आपको चाहिए, इनटेक आपको कितना करना है। अब कई बार क्या होता था कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो ये होता था कि प्रेगनेंसी है तो आप कुछ भी खाओ, यू नो यू आर फ्री टू ईट एनीथिंग, बट ऐसा नहीं है। सेकंड प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न रही हूँ इस चीज़ को लेके कि मुझे ऐसी कुछ भी नहीं खा लेना है कि हाँ प्रेगनेंट हूँ का उस प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठा के, कि प्रेगनेंसी में तो हम कुछ भी खा सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने थोड़ा बहुत ऐसा किया था कि मैं कुछ भी खा रही थी, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा है कि मुझे कितना खाना है और कब खाना है, क्यों खाना है, और मेरी जो मील्स होंगी उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं ऐड होंगी। स्टार्टिंग में मैंने यू नो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मैं फ्रूट्स कम लेती थी, वाटर इनटेक मेरा थोड़ा कम था, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में मैं वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है मैंने, इनफैक्ट अभी भी मेरा चल रहा है। जैसे मैं उसे फीड करा रही हूँ अपने बेबी को, तो दूध लेना है मुझे, तो मेरा वो कंटिन्यू था, मुझे मॉर्निंग में भी मिल्क लेना, रात को सोते वक्त भी दूध पी के सोना है। तो जिस तरीके से मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, जो मुझे प्रोटीन चाहिए तो मुझे प्रोटीन इनटेक किस तरीके से करना है, किस फॉर्म में करना है और कितना करना है, ये मैंने पूरा चेक रखा अपना। तो आपको पता रहता है कि आपके बेबी को क्या चीज़ें हेल्प करने वाली हैं, राइट? क्योंकि क्या होता है कि बोलते हैं कि ये खा लो बेबी यू नो का कलर अच्छा हो जाएगा, आप ये खा लो बेबी का वेट अच्छा रहेगा, ये खा लो बेबी का माइंड शार्प रहेगा।
ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। खाने से आपकी जो बॉडी है वो सिर्फ आपके बच्चे को न्यूट्रिशन हुआ, प्रोटीन्स हुए, जो भी चीज़ें होती हैं रिक्वायर्ड होती है बॉडी को, वही देती है। आपके बच्चे का कलर, आपके बच्चे का ब्रेन, आपके बच्चे का जो भी चीज़ें हैं वो आपका खाना डिसाइड नहीं करता है। कहते हैं ना नारियल पानी पिया करो रोज़, आपके बच्चे का कलर, वो उस फैक्ट से नहीं आपको बताया जाता है। वो इस फैक्ट से होता है कि आपको जो बेबी को जो जो चीज़ें चाहिए, जो इनको उसकी ग्रोथ के लिए, बेटरमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उसको मिलती रहे, ठीक है। तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चे का कलर किस पे जा रहा है, किस पे नहीं जा रहा है, क्लियर है या नहीं है, फीचर्स कैसे हैं, तो ये सिर्फ गॉड ग्रेस है जो भी होता है। तो सो थर्ड पॉइंट मैं आपको कहूँगी कि टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग एल्स। जब फर्स्ट बेबी था, जब मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव की थी, तो उस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो हम लोग मेरे लिए टाइम निकालना, वो टाइम बहुत ज़्यादा एक दिन इतना बड़ा होता था और ऐसा लगता था मैं सिर्फ काउंट करती रहती थी, अभी एक दिन गया है, इतने वीक्स हुए हैं, अभी इतने वीक्स लेफ्ट हैं, अभी ये चीज़ें, ऐसे मैं काउंट करती रहती थी बिकॉज मेरे पास कुछ और नहीं था करने के लिए। एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे पता ही नहीं लगा कि वो सेकेंड प्रेगनेंसी कब हुई, कब इतने वीक से इतने वीक पहुंच गए, कब इतने मंथ से इतने मंथ हो गए, कब मेरा चेकअप, अल्ट्रासाउंड सब कुछ क्लियर हो गया एंड कब मेरी डिलीवरी हो गई। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास था मेरा फर्स्ट बेबी, क्योंकि जब आपके पास आपका बेबी होता है फर्स्ट, तो आप उसकी उस पर भी आपको ध्यान देना है, और ऐसा नहीं कि कम ध्यान देना, पूरा ध्यान जितना आप देते हैं, मैं जितना ध्यान उसको स्टार्टिंग में देती थी उतना ध्यान प्रेग्नेंट होने पे भी मैंने उसको पूरा ध्यान रखा, इनफैक्ट लास्ट डे तक भी मैंने उसका ध्यान पूरे तरीके से रखा है। तो उसका मॉर्निंग रूटीन से लेके सुबह उठना जल्दी, क्योंकि चाहे वो नोजिया हो, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको बच्चे को स्कूल तो भेजना ही है, राइट। तो उठना, उसको नहलाना, उसको रेडी करना, उसके टिफ़िन बॉक्स के लिए लंच प्रिपेयर करना, बॉक्स पैक करना, उसका बुक्स वगैरह देखना, उसका होमवर्क देखना, उसको स्कूल वैन तक छोड़ के आना, फिर अपना वॉक करने जाना। तो ये जो रूटीन था ना, ये रूटीन में ऐसा था कि ये डेली बेसिस वर्क है, यू हैव टू डू इट बाय एनी हाउ, तो वो करना ही करना है। और वो करने के चक्कर में मेरा टाइम कैसे निकल जाता था मुझे पता नहीं लगता था, एंड उस वही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में, कि मुझे पता ही नहीं लगा कि टाइम, मुझे काउंट करने का टाइम ही नहीं मिला कि अभी कितने वीक्स हो रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं। कई बार तो मैं भूल जाती थी मेरा कौन सा मंथ चल रहा है और कौन सा मंथ स्टार्ट हो है अभी, और कौन सा मंथ है जो ख़त्म हो चुका है, और मेरी ड्यू डेट क्या है। तो मुझे लगता था कि कितनी जल्दी टाइम निकल गया है, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मैं हमेशा बस इतना बोर होती रहती थी, इतना कुछ, कभी टीवी देखा, कभी कुछ और एक्टिविटीज़ करी, सब कुछ करने के बाद भी मेरा टाइम पास नहीं होता था, बट सेकेंड प्रेगनेंसी में टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग एल्स ऑनेस्टली। सो फोर्थ पॉइंट है, आई वॉज एबल टू कंट्रोल माई वेट। जी हाँ, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना वेट कंट्रोल करना, ये मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी से सीखा है और जिसे मैंने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में अप्लाई किया है। जी हाँ, आप कहेंगे कि प्रेगनेंसी तो एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, यू आर फ्री टू हैव एनीथिंग, बट यू आर फ्री, बट आपको देखना है क्या खाना है, कितना वेट पुट ऑन करना चाहते हैं, कितना नहीं चाहते हैं। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये था, मैं अपने वेट चेक रख ही नहीं रही थी। मेरा वेट कब चेक होता था, जब मैं अपने टेस्ट के लिए अपने हॉस्पिटल जाती थी और मेरा बीपी और वेट चेक होता था, बस मैं वहीं पे अपना वेट चेक करती थी, रेगुलर वेट चेक नहीं करती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था वेट तो पुट ऑन होना ही है क्योंकि आई एम प्रेगनेंट। ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रेगनेंसी में वेट पुट ऑन होना चाहिए वो मैक्सिमम 10 kg तक पुट ऑन होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा जा रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप बहुत एक्सेसिव वेट पुट ऑन कर रहे हैं, जो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है अपना आफ्टर डिलीवरी उसको रिड्यूस करने में। तो जो मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी से सीखा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने आई थिंक 15 kg पुट ऑन किया था, 15 kg से भी ज़्यादा पुट ऑन किया था, आई थिंक 17-18 kg पुट ऑन किया था, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिली थी। पूरा 1.5 ईयर मुझे लगा था उसको कट ऑफ करने में, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी आप ऐसा नहीं कि आप इमिजिएटली जिम ज्वाइन कर लेते हैं, इमिजिएटली डाइट्स पे चले जाते हैं, बिकॉज आपको फीड भी कराना है बेबी को, तो यू नीड टू हैव गुड थिंग्स, एंड आपको ये नहीं है कि आप जिम जाएंगे और ये करेंगे, तो उसके लिए भी टाइम लगता है। तो इसलिए आप चाहें, आपको ये चेक रखना है, ये आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आप 10 kg से ज़्यादा पुट ऑन नहीं करेंगे, और 10 kg इज़ इनफ,
ठीक है. एंड मैंने अपने प्रेगनेंसी में जब कंसीव किया था तब से मेरा वेट मेरे आई थिंक 5th or 6th month तक मैंने मेरा वेट वहीं का वहीं था. सिर्फ एक डेढ़ किलो मैंने पुट ऑन किया था. उसके बाद ग्रेजुअली जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ने लग जाती है, टमी ग्रो करने लग जाता है, बेबी ग्रो करने लग जाता है, तो मैंने वेट पुट ऑन करना शुरू किया. और मेरा वेट पुट ऑन आप जान के हैरान रहेंगे कि मैंने सिर्फ 8 kg जी यस हाँ जी मैंने सिर्फ 8 kg पुट ऑन किया था. और अगर मैं बताऊँ तो उसके बाद मैंने जैसे ही मैंने वो पुट ऑन किया था उसके बाद मेरा आफ्टर डिलीवरी मैंने विद इन अ 2 weeks में अपना वेट 6 kg रिड्यूस कर लिया था. अब वो वीडियो मैं सेपरेटली आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने वो वेट कैसे घर में रह के ही यू नो विदाउट एनी डाइट मैंने बच्चे को फीड अच्छे से करा रही हूँ. मेरा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी आ रही है. तो सब कुछ है अच्छे से चल रहा है और वो ज़रूर मैं शेयर करूँगी कि उसकी क्या रेसिपी है, मैं कैसे अपना वेट यू नो रिड्यूस कर पा रही हूँ विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज, विदाउट यू नो कटिंग एनी माई फूड हैबिट्स. तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी. तो आपको अपने वेट का ध्यान ज़रूर रखना है. वेट पुट ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि आपका बेबी जो है वो बहुत अच्छा हेल्दी हो जाएगा, बहुत यू नो गोलू मोलू सा होगा. गोलू मोलू सा होगा क्योंकि देखिए मैंने जब 8 kg पुट ऑन किया उसके बाद भी मेरा बेबी जो है वो 3 kg का ही मैंने डिलीवर किया है. तो बेबी हेल्दी होना चाहिए, ये ज़्यादा मैटर करता है. गोलू मोलू होना चाहिए वो ज़्यादा, वो आप उसको बाद में भी कर सकते हैं, राइट. तो 3 kg आई थिंक इट्स सफिशेंट जो आपके बेबी का वेट होना चाहिए. तो 3 kg मैंने डिलीवर किया था अपने बेबी को. एंड आपको ध्यान रखना है अपने वेट का, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको बाद में जाके उस चीज़ के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े अपने वेट को लेके, क्योंकि ये आपको अभी पता नहीं लगेगा. क्योंकि मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी से एक्सपीरियंस लेके अपनी सेकंड प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस उससे कोरिलेट करके ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को ध्यान में रखी है कि वेट जब पुट ऑन हो जाता है यू नो तो एक अलग तरीके का डिप्रेशन हो जाता है. आपको मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी जब मुझे मैंने एक्सेसिव वेट पुट ऑन कर लिया था. एंड फिर मैंने अपने आप से ही प्रॉमिस किया कि मीरा यू कैन नॉट बी लुक लाइक दिस, तो यू हैव टू रिड्यूस योर वेट बाय डूइंग एनीथिंग. तो मैंने अपना फिर जिम ज्वाइन किया, फिर अपनी डाइट पे ध्यान दिया, यू नो सारी चीज़ें की. उसके बाद मैं अपने नॉर्मल वेट पे आ गई थी. तो फिर मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि इस प्रेगनेंसी में मुझे यू नो 10 kg से ज़्यादा पुट ऑन नहीं करना है. बाय गॉड ग्रेस मैंने वो 8 kg तक रखा. पहले मेरा 10 kg तक चला गया था. जब मेरी शुगर हाई हुई तो मैं एक स्टिक डाइट पे चली गई थी. और स्टिक डाइट पे जाने का मतलब है शुगर अगर आप अपनी डाइट से कट कर देते हैं तो ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा आपका वेट रिड्यूस हो जाता है. बट आई वॉज प्रेगनेंट तो वो मुझे 8 kg से ज़्यादा मुझे और रिड्यूस नहीं करना था. तो आप बाद में कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि वेट ज़्यादा पुट ऑन ना करें. सो गाइस लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट नहीं कहूँगी, कहने के लिए तो पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि जो मैं अगर कंपेयर करने जाऊँ अपनी फर्स्ट से सेकंड प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस शेयर करने जाऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, वो मैं नहीं चाहती हूँ. तो अभी के लिए इतना ही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, यू आर बेटर प्रिपेयर्ड. जी हाँ, क्या होता है कि जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है आपको पता रहता है कि चीज़ें कैसे कैसे होनी है, आपको बैग पैक कब करना है अपने हॉस्पिटल जाने के लिए, आपको बच्चे के लिए क्या क्या शॉपिंग करनी है, आपको यू नो अगर कोई मेडिसिन लेनी है तो वो स्किप नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, उसके यू नो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. अगर आपको कुछ चीज़ मना करी गई है डॉक्टर ने अवॉइड करने के लिए, उसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नहीं करेंगे तो क्या चीज़ें आपको यू नो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. तो ये सब चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि आपको पता होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर मैंने अवॉइड किया था तो मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी. अगर अब जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने शुगर मेरा जैसे मैं नॉर्मल लेती थी वैसे ही था, तो मेरा जो लीवर है वो फैटी हो गया था जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी डिलीवरी करवानी पड़ी थी. वैसे तो टाइम बिल्कुल हो गया था लेकिन मुझे आर्टिफिशियल पेन के थ्रू प्रेगनेंसी करवानी पड़ी थी. ऑल्दो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी मुझे लेबर पेन घर में स्टार्ट हुए और मैं तब गई थी. क्यों? क्योंकि मुझे मैंने जब अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में शुगर बिल्कुल कट नहीं किया था, आई वाज ओके, मुझे शुगर हाई नहीं था. लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने शुगर बिल्कुल कट कर दिया था तो मेरा जो खाने की हैबिट्स थी वो फर्स्ट प्रेगनेंसी से ज़्यादा अच्छी थी सेकेंड प्रेगनेंसी में, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो मैं खा रही हूँ, ये जो मुझे लेना है, ये मैं अपने लिए नहीं, ये अपने बेबी के लिए है.
तो उसको अच्छी चीज़ें जाएंगी, तो ऑब्वियसली मुझे तो अच्छा लगेगा ही और उसको भी अच्छा लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको खाने में टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, लेकिन आपको खानी ही पड़ेगी क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बेबी को वो जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, जो भी प्रोटीन्स वगैरह हैं, आपको बेबी को रेगुलरली और टाइमली और एक्यूरेटली मिलते रहें। तो आप सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहते हैं। इनफैक्ट जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट यू नो अवेयर कि क्या क्या होने वाला है। जैसे मैं, मेरा नॉर्मल डिलीवरी तो थी लेकिन आर्टिफिशियल पेन के साथ थी, तो उसके लिए मुझे 6-8 घंटे से 9 घंटे का पेन लेना पड़ा। उसके बाद एपिड्यूरल भी लेना पड़ा मुझे। फिर उसके बाद मेरी जो वैक्यूम डिलीवरी हुई थी, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो मुझे पता थी। सेकेंड प्रेगनेंसी में आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम प्रोसीजर, क्योंकि मुझे ये था कि अच्छा फिर से मुझे 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, मुझे 8-9 घंटे का पेन लेना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो। और उसके बाद हो सकता है मुझे एपिडुरल भी लेना पड़े, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी। ऑल्दो ऐसा मेरे सेकंड प्रेगनेंसी में टचवुड नहीं हुआ, मैं जाते ही मेरी हाफ एन आवर में डिलीवरी हो गई थी। तो ये चीज़ें हैं कि मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी अपने आप को लेके, क्योंकि मुझे पता था कि जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसका पेन कितना कितना ज़्यादा सीवियर होता है, कितना ज़्यादा पेनफुल होता है वो पेन। तो मैंने अपने आप को यू नो एक स्ट्रांगनेस दे दी थी, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। तो जब मैं घर से निकली थी मुझे पेन स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने गाड़ी में हूँ चाहे हॉस्पिटल में एडमिशन से लेके तब तक आई वॉज कंट्रोलिंग, आई वॉज होल्डिंग द पेन सो नाइसली। तो डॉक्टर ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए कि नहीं तो जब जो पेन होते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में आई वॉज शाउटिंग, मुझे याद है फर्स्ट प्रेगनेंसी में आई स्टिल रिमेंबर मैं बहुत बुरी तरीके से शाउट कर रही थी, स्क्रीम कर रही थी कि मुझे नहीं पता, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी, मुझे सी सेक्शन करा दो, आई कैन नॉट बेयर दिस पेन, और बहुत यू नो बहुत स्क्रीम कर रही थी। वो सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैंने बहुत नाइसली अपने पेन्स को कंट्रोल किया, यू नो होल्ड किया, क्योंकि मुझे पता था आई वॉज प्रिपेयर्ड कि ये तो होना ही होना है। यू नो आप इससे बच के कहाँ जाओगे, अगर आप चाहते हो आपको नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो आपको ये पेन लेना ही पड़ेगा। और कितनी देर का पेन है, थोड़ी देर का पेन होता है, उसके बाद एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस से। तो ये थी मेरी वीडियो आज की, जिसमें आई होप कि आपको थोड़ा बहुत मैंने कुछ नॉलेज दी होगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप शावरिंग योर लव एंड सपोर्ट मी। Thank you so much for watching my video. Bye-bye.